जाएं आप लोग, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहन कुमारी मायावती जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और हमारे ब्राह्मण शिरोमणि आपके दरमियान तशरीफ लाए। बहन जी की है ये ललकार, बनेगी बसपा की सरकार। के कुरूर बड़ी बदहाली है, जनता की बड़ी बदहाली है। पहले से कहा खुशहाली है, न तो ईद है न दिवाली है। नहीं नारों से खेत बचेगा कब, बेईमानी घोटाले कर कर के ये पेट तुम्हारा भरेगा कब। ये तेरा जुमलों का व्यापार है, तेरा झूठ का कारोबार। ये कुर्सी खाली कर दो। ये 100 से ज्यादा की हत्याएं हुई, 100 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों का एनकाउंटर हो गया, ये गिनती बताते हैं और बता करके अपनी पीठ थपथपाते हैं और फिर कहते हैं कि अब की बार 5 साल की सरकार और दे दो हमको, फिर गिनती के नहीं भूल जाओगे। इतने लोगों को हम ठिकाने लगाने का काम करें। आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने वो भी 5 साल देखा जब उसने 7 से 12 की सरकार चलाई थी, और देखा था कि 7 से 12 की सरकार जब बहुजन समाज पार्टी की थी तो उसमें भागीदार के रूप में ब्राह्मण समाज के लोग थे। उनका खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान उस समय बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने लौटाने का काम किया। उन्होंने चाहे 15-15 कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया हो, चाहे 15 से ज्यादा उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया हो, और चाहे उन्होंने 6 से ज्यादा आधे दर्जन से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजने का काम किया हो, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में अपना नेता बनाने का काम किया हो पार्टी का, इसके साथ साथ में 5,000 से ज्यादा सरकारी वकील भी ब्राह्मण समाज के बहन मायावती जी ने उच्च न्यायालय से लेके और नीचे की अदालतों तक देने का काम किया था। उन्होंने सब समाज को किया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया। उन्होंने सरकार बनाने में साथ दिया था तो बहन मायावती जी ने भी जो वादा किया था उन्होंने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। आपने देखा कि जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो चारों तरफ विकास होता था, विकास की गंगा बहती थी, हर तरफ उन्होंने विकास बढ़ाने का काम किया। 23 नए जिले बनाए, आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 1/3 जिले तो बहन मायावती जी की देन। उन्होंने जिले बनाए 23 जिले, और जब जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है। उन्होंने समग्र विकास करके इन जिलों को बनाने का काम किया, 1/3 जिले बना करके पूरे प्रदेश में एक नया दौर बनाने का काम किया।